लक्सर के एक गांव में सड़क निर्माण विवाद को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा, जहां ग्राम प्रधान व सड़क निर्माण अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़। आपको बता दें कि लक्सर के कंकरखाता गांव में लगभग 6 माह से चल रहा सड़क निर्माण विवाद पर ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने गांव में बन रही सड़क का निरीक्षण किया और पानी विवाद को लेकर मौके पर ही जिला पंचायत निधि से बन रही सड़क के अधिकारियों को सड़क लेवल कर ग्रामीणों का पानी को गांव के तालाब में छोड़ने को कहा। साथ ही विरोध कर रहे ग्रामीणों को भी हिदायत दी कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार को भी जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने को कहा। हालांकि इस बीच उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने ग्राम प्रधान को कड़े लहजे में गाँव के तालाब की सफाई करने के निर्देश दिए। गांव की सफाई व्यवस्था को देख उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा चिलमिला गए, प्रधान को खूब जमकर लताड़ लगाई और कड़े लहजे में साफ सफाई करने की हिदायत दी। नहीं देखिए, जो विधायक निधि से सड़क स्वीकृत हुई है उसमें जो टेक्निकल जेई वगैरह भी साथ में है, तो अच्छी चीज़ है कि पानी का एक ड्रेनेज का माध्यम मिला है। गाँव के साथ ही एक तालाब है तो उसी के माध्यम से पूरा वहाँ तक प्रॉपर ड्रेनेज बनवाया जाएगा, नाली का निर्माण किया जाएगा और रोड का एक लेबलिंग बनाने के डायरेक्शन दिए गए हैं, जिससे कि गांव में पानी की कोई समस्या ना हो। तो अच्छी चीज़ है कि सभी लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और ये भी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से सरकारी कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है उसको एक बार नहीं, उसको 10 बार भी सुना जाएगा।